फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो तरह से दलिया बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दो तरीके से हम दलिया बनाएंगे। इसमें एक दलिया है जो हम दूध और गुड़ के साथ, और दूसरे वाला दलिया जो पानी और गुड़ के साथ बनाने वाले हैं। चीनी का हम इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले। और दलिया जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक का कोई भी खा सकता है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया एक चम्मच देसी घी। गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया और घी को जो अभी थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। जैसे घी मेल्ट हो जाता है उसके बाद हम इसमें दलिया ऐड करेंगे। तो ये देखिए घी है जो गर्म हो चुका है। तो ये मैंने एक छोटी कटोरी ली है दलिया की, गेहूं का दलिया है ये। और ये वाली जो कटोरी है इसमें 6 से 7 चम्मच है, जो नॉर्मली हम घर में चम्मच यूज़ करते हैं वो वाले जो चम्मच है ये 6 चम्मच तक इस कटोरी में आ जाएंगे। तो 5 से 6 चम्मच हमने ये दलिया ले लिया है। अभी हम इसको गैस के कम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब देखिए, अगर तो आप देसी घी खाना पसंद करते हैं तो इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे ये दलिया और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। कोई ज़्यादा घी हमने इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ एक नॉर्मल चम्मच जो हम घर में यूज़ करते हैं वही हमने इसमें घी डाला है। लेकिन अगर आप किसी वजह से घी बिल्कुल भी नहीं खा सकते तो आप इसको जो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, बिना घी के भी इसको जो रोस्ट किया जा सकता है, ऐसे भी आप इसको भून सकते हैं। तो दलिये को हमने गैस के कम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक हम दलिया रोस्ट कर रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया जिसमें जो 8-10 केसर के धागे भिगो कर रख दिए हैं। तो ये वाला पानी हम दलिये में बाद में ऐड करेंगे, ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर है तो आप इसको ऐसे गर्म पानी में भिगो कर ज़रूर रखिएगा। तो अभी देखिए हम जो दलिये को है ऐसे ही लगातार चलाते हुए भून लेंगे। दलिये के आपको रोस्ट होने का, भून जाने का पता कैसे चलेगा? ये जो इसमें प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और हल्का सा ये ब्राउन होने लग जाएगा। आपने गैस का फ्लेम तेज नहीं करना, नहीं तो दलिये जो जल जाएगा वो अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होगा। तो ये देखिए 4-5 मिनट के करीब हो चुके हैं, दलिया अच्छी तरह से भून गया। अभी हम इसमें डालेंगे दूध। तो 1 लीटर मैंने इसके लिए दूध लिया। दूध डालने के बाद गैस का फ्लेम है जो हमने मीडियम कर देना और इसको ऐसे बीच बीच में लगातार चलाते रहना है। साथ में ही हमने जो केसर भिगो कर रखा था गर्म पानी में, पानी थोड़ा ठंडा हो चुका है वो भी इसमें डाल देंगे और दूध के साथ ही केसर को भी पकाएंगे। केसर डालने से बहुत ही प्यारा इसमें कलर आएगा और बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग जाएगी। तो केसर है आपके पास तो इसको ज़रूर इसमें डालिएगा। तो इसी तरह से हमने लगातार दलिये को चलाते हुए पकाते रहना है। जैसे जैसे दलिया इसमें पकता जाएगा वैसे दूध भी है जो वो पहले से गाढ़ा होता जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा दलिया जब अच्छी तरह से पक जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें है जो आप अगर बच्चों के लिए खास तौर पे ये बना रहे हैं तो बच्चे जैसे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, तो आप ड्राई फ्रूट्स को जो एक बार ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस कर वो इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बच्चे उसको आराम से खा लेंगे। तो ये देखिए पहले से जो दूध है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो थोड़ी देर के लिए अभी हम इसको और पकाएंगे और इसी के साथ हम अब इसमें थोड़े से करेंगे ड्राई फ्रूट्स ऐड। ड्राई फ्रूट्स में मैंने जो है बारीक कटे हुए बादाम और थोड़े से काजू लिए हैं। आप इसमें चाहें तो किशमिश ऐड कर सकते हैं, पिस्ता ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमने इसको 2-4 मिनट के लिए अभी और पकाना है। तो ये देखिए दलिया जो अभी हमारा पक चुका है और दूध भी पहले से काफ़ी उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम है बंद कर दिया है और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ठंडा होने देंगे। तो अभी ये देखिए दलिया जो ठंडा हो चुका है, हल्का सा ये गर्म रह गया। अभी हम इसमें डालेंगे गुड़ पाउडर यानी गुड़ की शक्कर। चीनी हम इसमें बिल्कुल नहीं डाल रहे। तो ये मैंने जो 4 चम्मच के करीब इसमें गुड़ पाउडर डाल दी है। जब हम इसमें गुड़ की शक्कर गुड़ पाउडर डालते हैं तो वो इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बना देता है। तो जो लोग चीनी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप इस तरीके से इस दलिया को बनाइए, आपको बहुत टेस्टी भी लगेगा और शक्कर की वजह से इसमें जो फ्लेवर है वो भी बहुत प्यारा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा गुड़ का दलिया जो बनकर बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको कर लेते हैं सर्व। तो आप भी इसको गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। गर्म जो दलिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और थोड़े से हम इसके ऊपर डाल देंगे गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स। आप इसको चाहें तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, डिनर में इसको लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा मुझे आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थान की एक बहुत ही फेमस डिश लापसी।
लापसी जिसको हम गुड़ का दलिया भी बोलते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही हेल्दी है। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गेहूं का दलिया। ये मैंने जो एक कटोरी दलिया लिया बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा, और साथ में हमने आधी कटोरी लिया गुड़। गुड़ आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार ज़्यादा भी है जो डाल सकते हैं, इतना गुड़ है इसमें जो अच्छा मीठा बनता ही है। 4 से 5 चम्मच हमें इसमें चाहिए देसी घी, और थोड़े से मैंने लिए हैं काजू और बादाम जिनको ऐसे बारीक कट कर लिए, और थोड़ी सी हमने लिए इसमें किशमिश। तो इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आप चाहें तो इसमें सूखा नारियल भी डाल सकते हैं, उसको पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लीजिएगा। और ये हमने लिया पानी, जिस कटोरी से हमने दलिया लिया था, एक कटोरी हमने लिया दलिया तो 3 कटोरी हमने लिया पानी। सबसे पहले हम पानी में गुड़ को मेल्ट करेंगे, ये करना ज़रूरी है, आप डायरेक्ट दलिए में गुड़ मत डालिएगा। इसमें क्या होता है कि कभी कभी गुड़ में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो हम इसको जो अच्छी तरह से पहले पानी में पिघला लेंगे, उसके बाद छलनी से इसको छान लेंगे, तो जो भी इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी। तो ये देखिए गुड़ पानी में अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, तो इसको रखते हैं हम एक साइड पे। अभी हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने डाल दिया है देसी घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम सबसे पहले थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हैं रोस्ट कर लेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए। इससे क्या होता है ड्राई फ्रूट बहुत क्रंची हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है। किशमिश अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, हम सिर्फ इसमें जो बादाम और काजू लिए थे उनको रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम है हमने जो कम रखना है, नहीं तो एकदम से ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं और अभी हमने उसी कढ़ाई में जो घी बचा था उसमें मैंने डाल दिया दलिया। इसी के साथ 1 चम्मच घी मैं इसमें अभी और डाल देती हूँ। आप चाहें तो इस टाइम पे 2 चम्मच है, मैंने 1 चम्मच जो पहले ड्राई फ्रूट्स में डाला था उसमें घी बच गया था और 1 चम्मच हमने और डाल दिया। तो अभी हम दलिये को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये अच्छा ब्राउन नहीं हो जाता। जैसे ही दलिया भून जाता तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे गुड़ वाला पानी, एकदम से मत डालिएगा छींटे ऊपर आ जाते हैं। छलनी से मैंने ये पानी है जो अच्छी तरह से छान लिया था, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके ये गुड़ वाला पानी इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम इसको जो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए ढककर हम इसको 2-3 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में इसको ऐसे चलाते रहेंगे, नहीं चलाएंगे तो दलिया जो नीचे लग जाएगा। 2 मिनट के लिए मैंने ढककर इसको और पका लिया, अभी ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम इसको लगातार जो ऐसे चलाते हुए खुला ही पकाएंगे, अब हम इसको ढकेंगे नहीं। तो ये देखिए दलिया जो पकना स्टार्ट हो गया और पहले से गाढ़ा भी हो गया, दलिया जो अच्छी तरह से है पक चुका है और इतना पानी इसमें बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें इसको और पतला बनाना तो पानी और डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। ये देखिए गुड़ की वजह से कितना प्यारा इसका कलर आया। तो अब हम इसमें डालते हैं किशमिश और जो हमने रोस्ट किए थे ड्राई फ्रूट्स। ये लीजिए गुड़ का हमारा जो दलिया है लापसी है वो बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी ये बनती है। तो इसको कर लेते हैं हम सर्व, एक प्लेट में मैं इसको निकाल रही हूँ, गर्मा गर्म इसको खाइए। तो ये लीजिए हमने ये जो दलिया एक प्लेट में इसको सर्व कर लिया। ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो कीजिए आप भी इस दलिया की रेसिपी को एंजॉय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बताइएगा मुझे आपको आज की ये रेसिपीज़ कैसी लगी। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।